सो हेलो एंड वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त एवं जबरदस्त होंगे। चलिए बात करते हैं आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी रीजनल नंबर की बात होगी और ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है। देखिए चैप्टर नंबर 1 के 1 का ए जो एक्सरसाइज है वो 1 से लेकर 3 क्वेश्चन नंबर तक कराया जा चुका है और उसके बाद आगे की सभी कराए जाएंगे। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देख रहे हैं जैसा मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1 का ए में क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है? फाइंड 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। जो ये 3/5 है और 7/8 के बीच में आपको पता करना है। तो आइए पहले मेथड का हम देखिए, लगते ये कितने मेथड से हैं? लगते 3 मेथड से हैं, मतलब आसानी से 3 मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करेंगे, तीनों मेथड बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय जाएगा और बहुत ज़्यादा समय न खाते हुए हम एक मेथड दो मेथड बताएंगे, दोनों मेथड में कोई एक अप्लाई करेंगे, बताने के लिए दो मेथड बता देंगे। आइए तो भैया क्वेश्चन नंबर चल ही हो गई है, चलिए इसको देखें। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, अब फर्स्ट मेथड देखते हैं, पहला मेथड। ठीक है, चलिए पहले मेथड की बात करते हैं। पहले मेथड में हमारा क्या है, 1/2 एक्स प्लस वाई, ये हमारा फार्मूला है। क्या है ये फार्मूला है, जहाँ पर यक्स जो होगा, यक्स इज लेस देन वाई, जो वाई होगा वो बड़ा होगा यक्स से, वाई होगा जो बड़ा होगा यक्स से। क्लियर है? चलिए आइए बात करते हैं। अब ये बातें आपको पता चल गई, अब हम इसको जो पहली संख्या रहेगी इसमें इसको x मान लेंगे, या फिर आप पता कर लीजिएगा कौन सा बड़ा है, 3/5 एंड 7/8। देखिए क्लास 6-7 में आप पढ़ चुके होंगे कि कैसे पता करेंगे कि दो रेशनल नंबर दिए गए हैं और उनमें कौन सा ग्रेटर है दूसरे नंबर से, या फिर वन नंबर है वो अनदर नंबर से कैसे बड़ा है। तो ऐसे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देते, 3×3=8, 3×3=24, 5×7=35, यहाँ पर 35, यहाँ पर 24, ऑटोमेटिक बड़ा पता चल जाता था। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इसको y मान लेना है, पहली वाले को x मान लेना है। तो ऐसा कर सकते हैं कि let x equal 3/5 and y equal 7/8। याद रखिए ये पहला मेथड है और पहले मेथड के अनुसार हमको तीन रेशनल नंबर बताना है 3/5 एंड 7/8 के बीच में। ठीक है, गर्मी थोड़ा ज़्यादा ही है तो यहाँ 3/5 एंड 7/8 है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो देखिए जो वैल्यू है उसको रख दीजिए, तो फार्मूला पहले लिख देते हैं 1/2 एक्स प्लस वाई, अगेन वही, तो वन एक्स की जगह पर क्या है 3/5, और देखिए ये वैल्यू 1/2 अभी पूरा रखते हैं, पहले प्लस कर देते हैं 7/8, या तो आप करना चाहें तो 1/2 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब प्लस करने के लिए क्या है कि हम पहले से ही सीखते आ रहे हैं कि रेशनल नंबर हो या फ्रैक्शन हो, उसको ऐड करने से पहले डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव नंबर एंड इक्वल होना चाहिए। अगर अनइक्वल है तो हम इसे ऐड नहीं कर सकते। आइए सबसे पहले इसको इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं, 3/5 है प्लस में 7/8 है, या तो हम इनका एलसीएम लेंगे या तो डायरेक्ट मेथड से इक्वल कर देंगे। देखिए 5×8 में कर देते हैं, यानी 5×8 और 8×5। अब यहाँ पर 5 डिनोमिनेटर में किए हैं तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, इसमें भी डिनोमिनेटर में किए हैं तो न्यूमरेटर में, तो 8×3=24, यानी 8×3=24 और 5×8=40। यहाँ पर भी 5×7=35 और 5×8=40। ठीक, इतनी बात हमें लग रहा है क्लियर हो गई होगी। अब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दें, चलिए ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 5×4=9 और 3×2=5, 59/40, 3/5 और किसके बीच में आया भैया, 7/8 के बीच में आया। हमें एक यहाँ पता कर लेना है, एक और यहाँ,
तो ये देखिए, एक तो हो गया हमारे पास ये बीच का निकल आया इनके, लेकिन बीच में कितने पता करने हैं, 3। तो एक यहाँ पर निकाल देंगे, एक यहाँ पर, तो 3 हो जाएंगे हमारे पास। आइए एक और निकाल देते हैं, सेम फार्मूले से यही रखिएगा, एक्स इसको मान लीजिएगा, वाई इसको मान लीजिएगा, ठीक है। वैसे भी आपको पता चल जाएगा 4 × 3 = 12, अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो वाई वाली हमेशा वैल्यू बड़ी ही होती है, क्योंकि मल्टीप्लाई 5 का करवाएंगे 60 में, आसपास 60 है, 59 मतलब 160, तो 6 × 5 = 33 300 हो गया, और 4 × 3 = 120 ही आएगा, तो इसका मतलब ये बड़ा है वाई, तो वाई की जगह वही ले लेंगे, तो 3/5 है, अब प्लस कर देंगे 59/40, ठीक है। अब 1/2 यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी 40 है, तो इसका मल्टीप्लाई 8 टाइम करवा देंगे, तो ये 8/45, और डिनोमिनेटर में करवाएंगे तो न्यूमिनेटर में भी 8 × 3 = 24, तो 24 + 59, अब बटे में हमारे पास 40 है, और 1/2, इतनी बात मुझे लग रहा होगा समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा एक बात और है कि क्या ये पूरा अभी नहीं हुआ था क्या, एक मिनट, 1/2 कोई बच्चा देख रहा होगा, तो हाँ अभी तो ये सेम करके आया, 1/2 लगाएंगे तो ठीक है, यहाँ पर 1/2 लगना चाहिए, और 1 का मल्टीप्लाई 59 है, और 2 का हो जाएगा तो ये 80 हो जाएगा, सॉरी ये हमारे पास 80 हो जाएगा, बस कुछ नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 80 हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर भी थोड़ी सी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, 16 × 5 = 80 है, तो 16 से मल्टीप्लाई, 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48, यहाँ पर 48 आ जाएगा, ठीक। हमेशा ध्यान रखें पूरा का पूरा फार्मूला रखेंगे, इसमें ये मल्टीप्लाई करेगा 1 का ऊपर में 2 का नीचे में, तो ये 40 हो ही जाएगा, डिवाइड इक्वलिटी, यहाँ पर देखिए ये भी 80 रहेगा, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। अब 9 × 8 कितना हो जाएगा, 17, 5 × 4 = 9 = 10, अब बटे में 80 है, तो 80 का मल्टीप्लाई 2 टाइम, तो 160, तो 107/160, ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड आ गया। अब थर्ड निकाल देते हैं, थर्ड आइए यहाँ पर निकाल देते हैं, 59, अब वही फार्मूला सेम रहेगा, ये वाला, ये फार्मूला सेम रहेगा, फार्मूला पता होना चाहिए आपको, इसके और इसके बीच में निकाल लेंगे, ठीक है, 59/80 प्लस कर देंगे 7/8, तो मल्टीप्लाई 10 × 80 हो जाएगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 10, तो 70, और यहाँ पर पूरा 1/2 रखिएगा ही आ जाएगा आपके पास, तो 70 और 59 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 7 × 5 = 12, 129/160 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 80 ये हो जाएगा और मल्टीप्लाई, तो 129/160, ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया, ठीक। ये हमारे पास पहला 3 डेसिमल नंबर में पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो अब ऐसा लिखने के लिए कैसे इसको लिखेंगे, थोड़ा सा हम इरेज करके बता दे रहे हैं, ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे सर इसमें तो खिचड़ी हो गया। चलिए अब ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, तो लिखने के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन इनके बीच में, या फिर ऐसे कर सकते हैं हेंस, हेंस 3/5 एंड 7/8 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन कितने भैया हैं, दैट इज 107/160, 59/80, 129/160, या तो इसको पहले लिख लीजिएगा 170 लिख दीजिएगा रेशनल नंबर लाइन बिटवीन 3/5 एंड 7/8, ऐसे भी करेंगे तब भी सही रहेगा, वैसे भी करेंगे तब भी सही रहेगा, ये इस थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना जरूरी रहता है। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर हो गए। अच्छा आइए आगे इसका क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी रेशनल नंबर, ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए हमने आपको बताया है कि अगर ये चीज़ें आप इस तरफ भी करेंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 107, 160, 59/80, 129/160,
ठीक है, रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन, तब यहाँ आपको ये दैट इज ना लगा के 3/5 एंड 7/8 लिख देंगे तब भी आपका सही रहेगा। और ये पहला मेथड है, हमें क्या करना है, अप्लाई सेकेंड मेथड करना है, क्योंकि थर्ड मेथड भी बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा। सेकेंड मेथड अप्लाई करिएगा, उससे बहुत बेनिफिट रहेगा। ठीक है, और ये बात करते हैं गर्मी जा रही है, एकदम चरम सीमा चढ़ी हुई है अपनी। हाँ, इसका ही क्वेश्चन है, हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज टू नंबर्स, यानी टू रेशनल नंबर रहना चाहिए। हाँ, टू रेशनल नंबर, ठीक, हाउ मेनी रेशनल नंबर। तो कुछ नहीं भैया, देखते हैं कि अगर हमको तीन निकालना है तो भाई क्या करेंगे, तीन निकल जाएगा, दस निकालना है दस निकल जाएगा, हजार निकालना है तो हजार निकल जाएगा, करोड़, तो इसका मतलब इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इनफाइनाइट रेशनल नंबर, सेकेंड का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइंड बाई डिटरमाइंड बिटवीन दीज टू रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, दो रेशनल नंबर के बीच में हमको क्या इनफाइनाइट रेशनल नंबर बता कर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज टू रेशनल नंबर्स। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ, और इसमें भी अब सेकेंड वाले में हम सेकेंड मेथड अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट मेथड आप अप्लाई करना सीख चुके होंगे, चलिए हम सेकेंड मेथड में सेकेंड अप्लाई करें, उससे क्या होगा, क्वेश्चन जल्दी होंगे। ठीक है, तो इसको सभी को इरेज करते हैं। चलिए, इसको भी इरेज कर दें। चलिए ठीक है, लगाना सीख चुके होंगे मेरे अनुसार। आइए भैया, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड फोर रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7, 3/7 एंड 5/7। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आइए हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले क्या करना है, 3/7 एंड 5/7 को ले लेना है। यहाँ पर एक बात अच्छी दिखी कि इनके डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल हैं, ऑलरेडी क्या है, इक्वल हैं। जब इक्वल रहेंगे तो और ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा डिटिम्मा। ठीक है, फलाना डिमकाना से आप दूर हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए इनके बीच में क्या आ रहा है, फोर रेशनल नंबर बताना है। तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, एन प्लस वन, एन को मान लेंगे जितने टाइम कहा गया है, फोर कहा गया है तो एन बराबर आपका जो फोर हो जाएगा ये, और प्लस वन, तो फोर प्लस वन इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास, फाइव हो गया, आसान है। तो फाइव से सभी में मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्या कर देंगे, 3/7 एंड 5/7 में मल्टीप्लाई, फाइव नाइन। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15, 7 5 45, 5 5 25 हो जाएगा, और यहाँ 5 7 35। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए कई नंबर निकाल सकते हैं, और हाँ एग्जैक्ट निकालने के लिए कुछ कम ही करेंगे तभी भी निकल आएगा। जैसे भी हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 16/35, 17/35, 18/35, 19/35। ये देखिए हमारे पास 4 तो ऑलरेडी आ गए। ठीक है, लेकिन आपको लगेगा कि सर अच्छा अगर हम कम लें, देखिए कभी कभी ऐसा होता है, ये भी गलत नहीं है, अच्छा ये बात कंठस्थ रखिएगा कि ये भी करेक्ट आंसर, ये ऐसा नहीं है कि गलत है, करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके बीच में अगर लाना ही है आपको, थोड़ा सा कम आए मतलब ज़्यादा, अब यहाँ पर 20 21 22 23 24 25 तक जाना है, कम लाना है तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे का, ठीक है, 3/7 है एंड 5/7, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई, देन 4 4 4, 3 4 12, 4 5 20 28 28। ठीक है, तो 13/28, 14/28, 15/28, 16/28, ये भी संख्या और जा रही है। ठीक है, इस अनुसार आप निकाल सकते हैं एकदम एग्जैक्ट, और कम करना चाहें तो और हो सकता है निकल जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से करवा देते हैं, मान लीजिए 4 से हो गया तो 3/7 एंड 5/7,
टोटल 3-3 से करवा देते हैं, तो 3-3 जा 9/21 आ जाएगा, 5 3 15/21, देखिए 10/21, 11/21, 12/21, 13/21, ये हमारा लगभग एग्जैक्ट आया क्योंकि एक बचेगा 14/21, ठीक है। इस तरीके से ये भी मान्य है पूरा फुल परसेंट, ये भी आपका सही है। और इसमें जो निकाला गया था थोड़ा सा हम इसको इधर लिख देते, 20/28 है ना, तो 15/28, 16/28, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पर भी ये भी हमारा परफेक्ट आंसर है, ये भी परफेक्ट आंसर है, कोई भी आपका एग्जाम में काटा नहीं जाएगा, इतनी बात ख्याल रहे। सेकेंड मेथड में करना क्या रहता है एक बार फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले नंबर दिया रहेगा, डिनोमिनेटर नहीं सेम है तो सेम कर लीजिए, ऑलरेडी सेम है तो कोई बात नहीं, एन प्लस वन लेंगे। एन प्लस वन लेने का तरीका क्या है कि वैल्यू जो है एग्जैक्ट आएगी, अगर नहीं आ रही तो कम, देखिए एग्जैक्ट तो आना तय है क्योंकि बीच का कह रहा है, तो बीच में तो कई सारे नंबर होते हैं, तो कोई भी उठा कर दे दीजिए आपका आंसर आएगा, ठीक है, ये बात क्लियर है। लेकिन अगर आपके पास पॉसिबिलिटी बनती है तो ये एन प्लस वन करके लिखेंगे तो आपका 100% सही माना जाएगा और ये भी आपका आंसर सही रहेगा, ठीक है। आइए, अच्छा हाँ, लिखने के लिए क्या कर सकते हैं आप, जितने रेशनल नंबर मान लीजिए ऐसे हैं, इनको थोड़ा इरेज करके बता दें कि लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं। हाँ, इतने हैं आपके पास तो यहाँ पर लिख दीजिएगा रेशनल नंबर, कहाँ है भैया रेशनल नंबर आपके, ये हो जाएंगे हैंस, हैंस 10/21 एंड 12/21, 13/21 और 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7, ठीक, इस तरीके से आप आंसर इसका लिख सकते हैं। और वैसे भी लिख देंगे तो कोई गलत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, अब देखिए ज़्यादा टीचिंग बनाई करेंगे, बस एक बार भी बताएंगे, ये नहीं कि ऐसे भी लगाए वैसे भी लगाए, कोई एक मेथड अप्लाई करिए खत्म करिए, और तीसरा मेथड नहीं बताएंगे अभी आपको, बस सेकेंड मेथड तक ही, ठीक है। हाँ, ये मेथड आपको कुछ अच्छा लगा होगा क्योंकि इसमें जब बहुत जल्दी आंसर आते हैं 1/2 वाला करेंगे तो आपको थोड़ा समय लगाना पड़ेगा। क्या कहा है भैया क्वेश्चन नंबर 6 आपका, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, लेकर आते हैं 2 एंड 3, देखिए 2 को 2/1 लिख सकते हैं रेशनल नंबर के फॉर्म में, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं कि 2/1 ही लिखा, 2/3 क्यों नहीं लिख दिया, 2/4 क्यों नहीं लिखा, ऐसा आपने क्यों किया कि 2/1 ही लिखा है, आइए बता देते हैं रीजन। देखिए 2/1 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो 1 2 2 अगेन प्राप्त होगा आपका 2, अगेन प्राप्त होगा 2, यानी जो गिवन नंबर्स मिलेगा हमको वो हमें ऑलरेडी 2 ही मिलेगा, इसलिए हम 2/1 लिख सकते हैं, और 3 को भी 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा, खत्म। अब यहाँ पर है फाइंड 6 रेशनल नंबर, इनके बीच में कितना करना है 6, तो कुछ नहीं करना है वही n प्लस 1, तो 6 कहाँ है, 6 बराबर n हो जाएगा प्लस 1 इक्वल 7, इक्वल क्या आ जाएगा 7, तो हमको सभी में मल्टीप्लाई 7 से करवा देना है, एक बार करेंगे बस बात खत्म हो जाएगी आपके पास। चलिए 7 2 14, यानी 7 2 14 7 आ गया, 7 3 21/7 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7 और 20/7, 3 ये 3 6, क्लियर हो गई कहानी कि कैसे आ रहा है। बस यही थी आपकी, टोटल नंबर्स कितने कहे थे इन्होंने इतना ज्ञात करने के लिए कहा था, तो अब आप कह सकते हैं कि हैंस ये सारे नंबर लिखेंगे, हैंस 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7,
सेवन ये 21 और 45 के बीच में ही था, आर सिक्स रेशनल नंबर ठीक है, नंबर लाइन बिटवीन इसके किसके बीच में है भैया, 2 और 3 यहाँ पर लिख देते हैं, 2 और 3 इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा, 2 और 3 मान लीजिए वहाँ दिखाई ना दे रहा हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, और एक स्टेटमेंट और भी बना सकते हैं अगर ऐसा ना बनाए तो, ठीक है। तो ये भी आपका सही ही रहेगा। चलिए बस बात करते हैं खत्म, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से आएंगे, तो यही हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, नहीं तो समय बहुत ज़्यादा जाएगा। आइए ठीक है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 बाई 5, चलिए हम लिख देते हैं 5 हमको पता करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारे पास, कौन कौन सा है भाई, 3 बाई 5 है एंड 2 बाई 3 है, सेम करना है पहले डिनोमिनेटर क्या कर लेना है सेम, तो मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, मल्टीप्लाई 2 ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस कॉमन नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में उसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में। अगर आप डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली संख्या से जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही सेम नंबर से ऊपर वाली संख्या से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 9 5 3 15 2 2 4 और ये तो गड़बड़ कर दिए हैं क्योंकि हमें सेम तो मिल नहीं रहा है, 5 3 15 हुआ तो यहाँ 2 से नहीं करवाएंगे 5 से करवाएंगे, 5 हो जाएगा, तो 3 3 9 हो गया, अब बटे में हमारे पास 15, 5 2 10 और बटे में 15। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है सेम है, निकालना कितना है 5, तो यन प्लस 1 वही 5 + 1 = 6 मल्टीप्लाई 5 कहाँ 6 से मल्टीप्लाई, सब इसमें क्या करवा देंगे 6 से, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, 6 9 54 हो जाएगा और 6 9 60 बटे में 15 6 90 यहाँ पर भी 90, तो 55/90 56/90 57/90 58/90 और 59/90। अच्छा ऐसा भी रहता है कभी कभी अगर ये कटता रहता है तो काट देते हैं, जैसे ये 5 से कट रहा है तो 5 1 5 5 1 5 और 5 1 5 ये हो गया और बचा कितना 4 5 8 40, और ऐसे भी अगर कटता रहे तो 2 से ये भी कटेगा 2 से ये भी कटेगा, तो 2 2 4 2 8 16 और 2 4 8 2 5 10 ये भी हो जाएगा, और सरल भी कर सकते हैं, अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर 57 कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 से कट जाएगा क्या, हाँ 3 से देखें ये भी कट जाएगा, 3 1 3 आ रहा है, 3 9 27 हो जा रहा है, 3 3 9 30 हो जा रहा है, ये भी कट रहा है 58/2 से कट जाएगा, 2 2 4 2 9 18 और 2 4 8 2 5 10 59 अगर कट रहा है तो इसे काट देंगे, नहीं तो इसे रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको अगर और छोटा हो रहा है तो और छोटा भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको, ये छोटा छोटा भी करके लिख सकते हैं, तो फिर वही लिख देंगे हैंस इतना नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर आर बिटवीन इतने इतने के बीच में है, ठीक है, वही स्टेटमेंट लिख देंगे, आप तो लिख दे रहे हैं आपका हैंस इतना है 55/90 56/90 57/90 58/90 59/90 160 और चाहिए, 5 ही तो है ना, हाँ और 5 रेशनल नंबर नंबर्स बिटवीन किसके किसके बीच में था भैया, 3/5 एंड 2/3 ये आपका क्या हो गया आंसर। इस तरीके से आप सभी के सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा,
दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और पसंद आए सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? अगर नए हैं आप, ऑलरेडी किए हैं, तो आपको थैंक यू। चलिए, बाय बाय।